तुझको कसम है मेरी नान हाथ खाली। इंडिया ने भी कॉपी की है। पिशावर में मेरे वाले साहब ने पश्तो धुनों को जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट करके पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। बचपन से आपको आवाज की दुनिया का ऐसा कोई शौक रहा, किसी को सुना या किस तरह से इस फील्ड में आने का इरादा बना? शौक ऐसा मुझे सिंगिंग का कभी भी नहीं था। FM 100 वो एक इंस्टीट्यूट है तमाम FM चैनल्स बेशक, क्योंकि सबसे पहला आने वाला सबसे पहला चैनल भी था। डबिंग में भी मैं एक पुराना पापी हूँ। स्क्रीन पर मैं PTV के थ्रू आया और आवाज जो है वो FM 100 के थ्रू मेरी सारी जो क्या बात है ये मेरी गुड लक है। फिल्म इंडस्ट्री के स्टैम्प पे आपने ज्वाइन की। FM को भी करते हुए तकरीबन 14 इयर्स हो गए। अब अपने करेक्टर को रिवील करते थे FM पे, क्योंकि उस वक्त तो आवाज सोशल मीडिया का दौर कम था। 1.5 करोड़ गाड़ियों में तकरीबन 70% गाड़ियों में FM चलता है। कुछ लोगों के घरों में तो आज भी वो रेडियो सेट मौजूद है। खवातीन की जो पसंद है ना वो FM, FM को जिसका नशा हो जाए ना, जो सुनने लगे वो उसके बाद फिर वो छोड़ता नहीं है। रेडियो पे जब आपने ज्वाइन किया FM, तो फील्ड से या लोगों से कैसा रिस्पांस मिला आपको उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया था? जब मैंने टीवी ज्वाइन किया था तो टीवी ज्वाइन करने के ऑलमोस्ट तकरीबन साल बाद या 2 साल के बाद मैंने FM ज्वाइन। अच्छा, उसी दौरान कर लिया। उसी दौरान जी, अस्सलाम वालेकुम और एक बार फिर खुश आमदीद आपको द सेलिब नाइट में। आज नदीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर जी आप? सर कैसी जा रही है जिंदगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज के लिए आपने टाइम निकाला, और बड़ी मसूफियात आपकी चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है और डबिंग चल रही है आपकी, उसके बावजूद जो है वो आप हमारे साथ। ये आपकी मोहब्बत है और सर ये आपकी मोहब्बत है, क्योंकि आप जैसे सीनियर लोगों से हमें सीखने को मिलता है। और आपने हमेशा यहाँ पे नहीं, आज से पहले भी जब भी आपसे मुलाकात होती है रेडियो पे या कहीं पे भी, तो आप हमेशा गाइड करते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं। लव यू, थैंक यू। ये सर आपकी मोहब्बत है। तो सर कैसी जा रही है ज़िंदगी, क्या मसूफियात हैं आजकल, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? सर ज़िंदगी में बस अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम वाम जैसे होते हैं वो चल रहे हैं। सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं और उसके बाद रात का खाना खाते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि रमजान उल मुबारक है तो जरा रूटीन थोड़ा सा। मैं भी यही सवाल करने वाला था कि रमजान में ऐसा क्या रूटीन? रमजान में भी खाने पीने का ही रूटीन है। बिल्कुल, वो सहरी और फिर इफ्तार। इफ्तार फिर खाना। बिल्कुल, अच्छा फिर खाना भी चलता है। तो आप खाना खाते हैं इफ्तार के बाद? क्योंकि अक्सर लोग इफ्तार के बाद रोक देते हैं कि इफ्तार के बाद नहीं, इफ्तार के काफी देर बाद। अच्छा, ओके। इफ्तार कितने बजे होती है आपको? हाँ बिल्कुल, 7:30 बजे। बिल्कुल ऐसे ही, तो गैप रखते हैं आप बीच में। मैं इफ्तार में खाने की तरह नहीं खाता। अच्छा, इफ्तार की तरह इफ्तार करते? बिल्कुल इफ्तार की तरह। ओके, तो नदीम भाई क्या आजकल मसूफियात हैं आपकी? मसूफियात एज यू नो, तो बहुत कुछ तो आपको नौमान पता ही है कि FM 100 जो है उसका आरजे हूँ, और तकरीबन 13-14 साल से मैं FM 100 में शोज कर रहा हूँ माशाल्लाह से। और इसके अलावा आजकल की मसरूफियात आपको बता रहा हूँ, मैं एक एडटेक कंपनी से मुंसलिक हूँ। अच्छा। और वहाँ पर उनकी प्रोडक्शन को देख रहा हूँ, वो मेरी एक प्योरिटी जॉब है। ओके, ओके, और उसके बाद फिर FM, और इसके अलावा जो है वो ड्रामों की जो डबिंग, टर्किश ड्रामे जो हमारे नाज़रीन जो देखते हैं, तो उसमें डिफरेंट करेक्टर्स हैं, तो जहाँ पर जो आवाज़ जिस करेक्टर पर बैठ जाए तो हम उसके ऊपर जो है बोल रहे होते हैं। ये सिलसिलाकार है। और ऑन एंड ऑफ अगर सपोज के कोई प्रोग्राम की ऑफर होती है तो वो कर लेते हैं, शो को कंडक्ट कर लेते हैं, तो जिंदगी बस इस तरह चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो सर मुझे ये बताइएगा किस तरह से, एक तो सबसे पहली बात माशाल्लाह आपके वालिद साहब हमारे पाकिस्तान की वो आवाज़, वो नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है हमारे दिलों में, रच बस जाने वाला नाम जावेद अख्तर साहब के हिसाब से। और सर कौन कौन से ऐसे गाने भाई उस टाइम पे मैं तो जो है वो बहुत ज्यादा छोटा पैदा भी नहीं हुए होंगे, हमारी पैदाइश से पहले से माशाल्लाह से उन्होंने बड़ा नाम अपना कमाया है, और लेजेंड, लिविंग लेजेंड जावेद अख्तर। और उनके बहुत सारे गाने हैं, पिशावर से मेरी खातिर दंदासा लाना, जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, तुझको कसम है मेरी ना आना हाथ खाली, और तू हौले हौले रखना कदम मोबलम, बेतहाशा गाने। लेकिन मैं बताऊं उनके गानों के हवाले से, क्योंकि ऑलमोस्ट पाकिस्तान बनने से पहले से माशाल्लाह से वो इसी फील्ड में है, बचपन से वो इस फील्ड में जो है थे सिंगिंग के हवाले से।
तो उनके फिर बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि हमारे यंगस्टर उस दौर के यंगस्टर आज के सीनियर जैसे अली हैदर हैं। अली हैदर ने मेरे वालिद साहब का गाना गाया जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मैं जाऊंगा, उन्होंने उसको रीमेक किया दोबारा से, मतलब उसको कवर किया मेरे वालिद साहब के गाने को। इसके अलावा शहजाद रॉय ने उनका गाना गाया तुझको कसम है मेरी ना ना हाथ खाली, उन्होंने अपने कैसेट में उनका वो गाना जो है, और उसका एक और इनका एक और गाना है परोरो कदे कदम मोना लैला, वो तू हौले हौले रखना। अच्छा ये सारे गाने जो है ना कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है सुने हुए हैं। अच्छा मैं बेसिकली अल्फाज लिरिक्स से पता चल रहा है, बेसिकली इन आर्टिस्टों का भी नाम इस वजह से ले रहा हूँ कि बहुत सारे इनके भी फैन हैं, बिल्कुल तो उनको ये पता चले अच्छा ये जावेद अख्तर साहब का गाना है उन्होंने गाया, तो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा रेफरेंस ये दे रहा हूँ। तो वालिद साहब ने उनके बारे में मैं आपको एक और बात बताऊं बड़ी जबरदस्त कि पाकिस्तान में रीजनल लैंग्वेजेस को उर्दू में ट्रांसलेट करके फर्स्ट टाइम जो रोशनाज करवाया फोक म्यूजिक को, अच्छा, वो मेरे वालिद साहब माशाल्लाह क्या बात। पाकिस्तान बनने के बाद वालिद साहब ने सबसे पहले बंगला धुन में गाना गाया था। अच्छा मतलब बांग्लादेश मतलब बंगला गाना था उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके, और वो था मांझी हो नैनों की नगरी में आओ कभी तो ख्वाबों के नगमे सुनाओ। वो गाने के बाद फिर क्योंकि हम लोग पिशावर से ही ताल्लुक है हमारा, अच्छा, में ही रहे जी। वैसे तो मैं बहुत छोटा सा था, होश भी नहीं था तब, हम लोग कराची शिफ्ट हो गए थे तो उस वक्त से मैं ये समझता हूँ कि मेरा शहर कराची ही है। क्या बात, क्योंकि मैंने तो यहीं पे पला बढ़ा, बिल्कुल ऐसे ही। बट अगर बैकग्राउंड देखे तो हमारा ताल्लुक पिशावर से, तो पिशावर में मेरे वालिद साहब ने पश्तो धुनों को जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट करके पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, क्या बात है, ये तुझको कसम है मेरी ना ना हाथ खाली, जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, माता पसमीना खुला खंदल मका हुआ मड़बा में के, तो अच्छा। ये उन्होंने पहले पश्तो में गाया है मेरे वालिद साहब ने, देन फिर उन्होंने ये तुझको कसम है मेरी, अच्छा फिर उसके बाद जो है वो ट्रांसलेट किया, परोरो कदा कदम ऊना लैला तू हौले हौले रखना कदम ओ बलम। मैं आपको उर्दू एंड पश्तो दोनों बता रहा हूं। फिर उनका एक है बहुत मशहूर गाना है आंखों के हवाले से है वो, तो बेतहाशा उनके मैं ये कह रहा हूँ कि गाने को उन्होंने पश्तो गानों को उर्दू में ट्रांसलेट करके वो गाया, और वो पूरी दुनिया में खैबर पख्तूनख्वा का जो एक नाम है उस वक्त सरहद के नाम से था ये हमारा सूबा, और अब केपीके है, तो केपीके के जो हमारा जो फोक है वो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, और लोगों ने इवन ये कि मैं आपको ये भी बताऊं कि इनका गाना जो है ना तुझको कसम है मेरी ना ना हाथ खाली, इंडिया ने भी कॉपी किया है। अच्छा ये उस दौर में कॉपी किया कि जब पाकिस्तान के बहुत चीदा चीदा गाने जो हैं उन्होंने कॉपी किए हुए थे, ये उस दौर की बात है। बिल्कुल मथन चक्रवर्ती की मूवी थी तो एक हसीना की निगाहों का निशाना बन गया, वो चेंज करके बोलों को चेंज करके लिरिक्स चेंज करके उन्होंने मेरे वालिद साहब का गाना था तुझको कसम है मेरी ना ना हाथ खाली, उसको उन्होंने भी रीमेक, मतलब उनका अगर मैं पोर्टफोलियो बताना शुरू करूंगा तो मेरा ख्याल है कि आपका पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बट ये है कि मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि मैं जावेद अख्तर साहब का बेटा हूं, और FM में भी मैं जब शो करता हूँ तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे फरमाइश कर रहे होते हैं उनके गानों की, और उनके गाने जो है सॉरी भाई नहीं कोई मसला नहीं, ये तो हमारा गेम है, इसके साथ तो हम खेलते रहते तो हैं। अभी तो सारी सीरियस बात हो रही है क्योंकि उनके हवाले से, बिल्कुल ऐसा ही है, तो फख्र महसूस करता हूँ कि मैं उनकी औलाद हूँ। जैसा उन्होंने काम किया वैसा तो मतलब मैं ये समझता हूँ 100 में से 1% भी हमने काम नहीं किया, गो के मैं म्यूजिक से रिलेटेड मैंने काम नहीं किया, मैं अगर इस फील्ड में आया हूँ तो आवाज़ के हवाले से आया हूँ। बिल्कुल वो तरन्नुम में आवाज़ थी, ये मैं वैसे ही आवाज़ लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो मुझे ये बताएं नदीम भाई, मतलब बचपन से आपको ये आवाज़ की दुनिया का ऐसा कोई शौक रहा, किसी को सुना, या किस तरह से इस फील्ड में आने का इरादा बना? देखें असल में वालिद साहब की वजह से शो बिजनेस के बहुत सारे जो सिंगर्स वगैरह हैं उनके साथ हेलो हाय तो होती थी, कभी कभार चले जाते थे। शौक ऐसा मुझे सिंगिंग का कभी भी नहीं रहा, अच्छा मुझे एक्टिंग का शौक था, अच्छा शौक भी नहीं था वो, मतलब एक अंदर तबीयत में एक चीज होती है ना, अयाज अहमद को आप जानते ही होंगे, अयाज अहमद बेसिकली मेरे छोटे भाई के दोस्त हैं, अच्छा अच्छा, और बचपन के दोस्त हैं, मतलब अयाज भी इस फील्ड में नहीं था उस वक्त, अच्छा शो बिजनेस की फील्ड में, तो हम बिल्कुल लड़कपन में नौजवान लड़के आपस में मस्ती मजाक करते रहते थे, तो मैं जो है जाहिर है वो भी पढ़ रहे थे मैं भी पढ़ रहा था, तो अयाज ने अपना प्रोफेशन शो बिजनेस रखा, अच्छा
तो वो क्या करता था कि अगर कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है ना, तो क्योंकि मैं बहुत ही एक खुश मिजाज किस्म का इंसान और हंसी मजाक वाला, तो वो मुझे बुला लेता था, नदीम भाई आओ यार, नदीम आ जाओ यार, एक साथ प्रोग्राम करेंगे। चलो भाई चलो कर लेते। तो हम लोग ऐसे ही फन फैक्ट में ना जो है ना प्रोग्राम्स करते थे। अच्छा, एक्टिंग करता था मैं, सही है, डिफरेंट कैरेक्टर्स करता था मैं, सही है, क्योंकि मैं रीजनल लैंग्वेजेस भी बोल लेता हूँ। अच्छा, हाँ मुझे है, क्या बात है। मैं आपको इस हवाले से पहले एक बात बताता हूँ, पीटीवी नेशनल पर मैंने तकरीबन 10 साल से ज्यादा प्रोग्राम किया है, लाइव प्रोग्राम्स करता था। क्या बात। और ताजदार आदिल साहब, बिल्कुल, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा कि उनसे बहुत कुछ सीखा, ऑनेस्टली उस्तादों में से, बिल्कुल, आदिल साहब। तो ताजदार आदिल साहब जो हैं वो पीटीवी के उस वक्त जीएम थे, तो मुझे वहां पर अयाज ने ही इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, बिल्कुल, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि मैं इस फील्ड से तो रिलेटेड था, बिल्कुल ऐसा ही है। बट एक क्योंकि मेरे दो सहबाब थे इस रिलेटेड, तो वो मुझे कहता था यार चलो यार प्रोग्राम, वो मुझे पीटीवी ले गया। तो पीटीवी ले गया तो ताजदार आदिल साहब, अब उनका एक नाम, एक खौफ, एक दबदबा दबदबा, तो उनके मैं उनके ऑफिस में जाके बैठ गया। अब बैठे हुए, हाँ क्या नाम है आपका? नदीम अख्तर है। अच्छा अच्छा। अयाज ने फौरन बताया, सर ये जावेद अख्तर साहब के बेटे हैं। ओ अच्छा, आपने नहीं बताया? नहीं, मेरे से तो बात ही नहीं हुई ना, बिल्कुल। ओ तुम जावेद साहब के बेटे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, गाते नहीं हो तुम? मैं कहा नहीं सर मैं गाता नहीं। तो फिर क्या करते हो? खैर यहाँ से ये बात चली, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम एक प्रोग्राम करो। तो अयाज के साथ मुझे उन्होंने कहा, वहां से एक करेक्टर जो है वो समझ लीजिए कि डेवलप हुआ। वो कैसे डेवलप हुआ? और ये बिल्कुल फिल बदी सारा। अच्छा, तो उन्होंने बोला तुम इसके साथ शो में बैठकर क्या करोगे? वो लाइव शो था, ऑलमोस्ट 2 घंटे का, जबरदस्त। मैंने बोला सर मैं कोई करेक्टर बनकर बैठ जाऊंगा। हाँ। कौन सा? मैंने बोला सर मैं चाचा बन जाऊंगा। कहेंगे तुम चाचा लगते तो नहीं हो? अब आज से मैं 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त और प्यारा प्यारा, बिल्कुल जवान जवान, नहीं अभी भी माशाल्लाह जवान है नदीम भाई। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा, मैंने बोला मैं, मेरा नाम चाचा है, मैं चाचा नहीं लगता लेकिन मेरा नाम चाचा है। तो उनको वो बात अच्छी लगी। उन्होंने बोला तुमने क्या सोचा हुआ करेक्टर के बारे में? मैंने उनको करेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताया। कहेंगे कल तुम आओ और आकर वो गेटअप करके मेरे सामने। अच्छा, तो मैं देखूंगा। मैंने कहा ठीक है सर। अगले दिन मैं गया करेक्टर बनकर पूरा। हाँ। एक कुर्ता पहना मैंने ऑरेंज कलर का, साथ में मैंने सर पर पटका बांधा, कानों में सुरमा लगाया, एक मूछे लगाई। अच्छा, फुल रेडी होके? फुल रेडी होके मैं जैसे ही उनके कमरे में गया ना, कहेंगे आप कौन? मैंने बोला कि मैं जो हूँ ना, वो मेरा नाम चाचा है। तो मैंने आवाज भी ऐसे बनाई, अच्छा चाचा आप कहाँ से आए? ओ जी मैं अपने पिंड से आया हूँ। मैं पिंड में बैठा होता था, तो पिंड में बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरे से सवाल जवाब करते थे। ए मुंडा मैनु इत्थे ले आया, और ये मैनु कह रहा कि यार मेरे दे नाल प्रोग्राम। अच्छा, अयाज भाई साथ थे? अयाज साथ था। वाह। इन शॉर्ट ये कि वो मैंने प्रोग्राम एक किया, वो प्रोग्राम बहुत हिट गया, क्योंकि वो अयाज आपको पता है कि वो भी थोड़े से करता था। हाँ, चुलबुले टाइप के, उसके ऊपर थोड़ा और मसाले लगा लेता था। तो उसके बाद ताजदार आदिल साहब ने मुझे, बुध वाले दिन वो प्रोग्राम होता था सुरीले बोल के नाम से। अच्छा, कुछ क्लिप्स होंगे यूट्यूब पर, शायद आप देख सकें। वो चाचा के नाम से मैं, क्योंकि वो प्रोग्राम करता था, फिर वो करेक्टर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स चला। अच्छा। 10 ईयर्स के बाद फिर मैं अपने ओरिजिनल अपेयरेंस पे आ गया, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था नदीम अख्तर की शक्ल कैसी है। ऐसे ही। तो खैर वो प्रोग्राम इतना पॉपुलर हुआ कि आपको मैं एक और बड़ी जबरदस्त इस चैनल के तवज्जुह से एक बात बता रहा हूँ कि उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अयाज बैठे होते थे जी, अयाज हंसी मजाक कर रहे होते थे, इश्यूज पर बात करते थे, मैं एक चाचा कैरेक्टर बनकर बैठा होता था उनके। अच्छा। साथ, और मैं हंसी मजाक में डिफरेंट इश्यूज को इम्पोज करता था। ओके। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। ठीक है। हमारे प्रोग्राम के बाद ये जो आप खबरनाक, खबरहार, मजाक रात, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारे उसी प्रोग्राम से लिया गया। ओके। अब हम क्योंकि एक रीजनल चैनल पर थे, बिल्कुल, पीटीवी नेशनल, उसकी व्यूअरशिप डिफरेंट थी, बिल्कुल, प्राइवेट चैनल्स की ज्यादा थी, ज्यादा, और वो अलग थी। वो लोगों को बहुत पसंद आया कि भाई एक आफ्ताब साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल, साथ उन्होंने 4-5 कॉमेडियंस बिठाए हुए हैं, तो वो एक कॉन्सेप्ट बेसिकली वही था।
सही है। तो वो कॉन्सेप्ट को ये आज आप जितने भी प्रोग्राम्स देख रहे हैं वो थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल में पेश, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हर चैनल की अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो अपने हिसाब से पैसे लगा रहा होता है, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो बड़े चैनल से, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, तो वो चैनल अपने हिसाब से वो काम कर रहे थे तो वो ज्यादा लोगों को पसंद आया। हम एक छोटे सी पीटीवी नेशनल के प्रोग्राम कर रहे थे लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे उस प्रोग्राम से ही ये डेवलप हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने नकल की, बट ये कॉन्सेप्ट वो था, बिल्कुल ऐसे ही। और एक ही कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स बना, बिल्कुल इसमें कोई बुराई भी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट ओरिजिनली कॉन्सेप्ट जो था वो हमारे उस प्रोग्राम पर। इन शॉर्ट ये पीटीवी में मैंने किया एंड ताजदार आदिल साहब से बहुत कुछ सीखा। और जिस इंसान की ग्रोथ पीटीवी से हो वो तो फिर, और उसके साथ साथ मैं एक आपको और बात बताऊं, FM 100 की भी मैं बात करूंगा। इस वक्त जितने भी चैनल्स हैं, जैसे पीटीवी एक इंस्टीट्यूट है ना, टीवी जितने भी चैनल्स हैं, इसी तरीके से मैं ये समझता हूं कि FM 100 जो है वो एक इंस्टीट्यूट है तमाम FM चैनल्स, बेशक क्योंकि सबसे पहला आने वाला सबसे पहला चैनल भी था। तो इससे बस ये है कि मेरी ये गुड लक है कि स्क्रीन पर मैं पीटीवी के थ्रू आया और आवाज जो है वो FM 100 के थ्रू मेरी सारी जो है ये मेरी गुड लक है। और इस वजह से ये सारा सिलसिला हुआ। फिर उसके बाद डबिंग वगैरह का सिलसिला चलता रहा, वो भी करते रहे डबिंग वगैरह। डबिंग का मैं आपको ये बात बताऊं कि डबिंग में भी मैं एक पुराना पापी हूँ, पुराना चावल कहने। वाह क्या बात है। डबिंग जो है सबसे पहले जो पॉपुलर हुई, पॉपुलर ड्रामा हुआ वो इश्क ममनून था। अच्छा, जो कि हम टीवी का, हम से उर्दू चैनल, उर्दू वन का। ओके, ओके। और इश्के ममनून बेतहाशा मशहूर हुआ और उसका क्रेडिट किसको जाता है जनाब? इमो साहब को। अच्छा, इमरान, बिल्कुल फ्यूजन बैंड के जो है, बिल्कुल फ्यूजन बैंड के जो हेड है, तो वो उन्होंने किया था। तो उससे पहले एक रीजनल चैनल था अपना टीवी, बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें पंजाबी में एक मूवी आती थी, एक सीरीज आती थी फ्रेंड्स। अच्छा, तो मैं उसमें जो है डबिंग उसमें करता था। तो डबिंग में भी मैं, जब ये डबिंग इंडस्ट्री बनी है किस्म की छोटी सी जो है, तो उससे पहले से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा क्या बात है। तो इन शॉर्ट ये कि इश्के ममनून के बाद फिर इमो के साथ हमारी सलाम दुआ है, वो मेरे फादर की वजह से भी और वैसे भी बहुत, मैं मतलब उनके बारे में ये कहूँ कि नाइस बंदे, आप उनसे जब मुलाकात करेंगे तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत शोहरत दी है। तो जब शोहरत मिलती है ना तो आदमी की आंखें ना माथे पर आ जाती है, हकीकत है, ऐसा ही है। बट बिल्कुल वो बहुत डाउन टू अर्थ, वेरी नाइस पर्सन इमो। तो उन्होंने मुझे जो है ये अपॉर्चुनिटी दी कि अपने ही प्रोडक्शन हाउस में मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स दिए कि नदीम आप इसको देखो। अच्छा, अभी भी काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं माशाल्लाह से, अभी भी बिल्कुल। ये मैं वो अभी जो आपको मैंने पीटीवी की मिसाल दी ना इंस्टीट्यूट, तो मैं ये भी इमो के बारे में ये कहूंगा कि उनका जो प्रोडक्शन हाउस, फिरोज भाई का जी, बिल्कुल फिरोज मोमिना, फिरोज भाई जो है ना वो इमरान के भाई, बड़े भाई हैं, बिल्कुल। बेसिकली डबिंग जितना भी है वो उसको उन्होंने ही देखा, बिल्कुल ऐसे ही। और फिरोज भाई जैसा इंसान भी, अल्लाह ताला ऐसे भाई सबको दे, बहुत नाइस पर्सन। हम जब भी जाते हैं बहुत शफकत से मिलते हैं, हमें काम भी देते हैं। पहले मैंने प्रोडक्शन में काम किया इमो के पास। अच्छा। वहां से बहुत कुछ सीखा फिरोज भाई से, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, जोजो भाई जी। उनसे बहुत कुछ सीखा और सीखने का जो काम है वो स्टिल चल रहा है अभी, लर्निंग पोजीशन, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं, उम्र नहीं, बिल्कुल। तो डबिंग मैंने आपको पहले टीवी का बताया जी, देन एफएम का बताया मैंने, अब आपको मैं डबिंग के हवाले से अपना करियर के बारे में बता रहा हूँ। तो उसमें फिर उनके साथ मैंने प्रोडक्शन का काम किया साथ साथ में, क्योंकि आवाज बिल्कुल का है सिलसिला, तो करेक्टर्स भी करते थे साथ में। अच्छा नदीम भाई, पहले मुझे ये बताएं कि एफएम इंडस्ट्री को किस दौरान आपने ज्वाइन किया, मतलब एफएम इंडस्ट्री किस टाइम पे आपने ज्वाइन की, और फिर उसके बाद आपकी आवाज का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ा, फिर आप डबिंग की तरफ आए। मैं ना इस एफएम को भी करते हुए तकरीबन 14 इयर्स हो गए हैं। अच्छा जबरदस्त, 14 इयर्स हो गए हैं। तो जब मैं वहां पर गया था तो मैं फर्स्ट टाइम जब गया हूँ तो उस वक्त में ऐसा सीरियस नहीं था एफएम में। अच्छा, क्योंकि लोग अक्सर जो है ना वो एफएम को बहुत लाइट लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। अरे एफएम आप शो करते हैं, कौन सुनता होगा, ऐसा ही है। ऐसे अभी भी लोग यही कहेंगे, कौन सुनता होगा, क्योंकि वो खुद नहीं सुनते ना, इसीलिए उनको लगता है कुछ कोई और नहीं सुनता, कौन सुनता होगा।
मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप एक दफा सिर्फ 15 मिनट के लिए मेरा अगर प्रोग्राम सुन ले तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने लोग सुनते हैं। बिल्कुल। तो आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी मैं ये बात बताऊं अपने तमाम लिसनर्स को, सॉरी व्यूअर्स को, व्यूअर्स को ये बात बताऊं कि एफएम कितने लोग सुनते हैं इसका मैं आपको आइडिया देता हूँ। कराची की आबादी तकरीबन कितनी है? 2.5-3 करोड़ से ऊपर। और गाड़ियां कितनी होंगी? बेतहाशा आप 2 करोड़ लगा ले। डेढ़ करोड़। बिल्कुल। 1.5 करोड़ गाड़ियों में तकरीबन 70% गाड़ियों में एफएम चलता है। बिल्कुल ऐसा ही। 30% गाड़ियों में एफएम नहीं चलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग सुनते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे जो हमारे मिडिल लोअर क्लास और मिडिल क्लास के जो एरियाज हैं कराची में, वहां पर खवातीन की जो पसंद है ना वो एफएम है। बिल्कुल। वो अपने घर के सारे कामकाज करने के बाद हैंड फ्री लगे हुए होते हैं, हैंड फ्री लगाकर वो सुन रही। और कुछ लोगों के घरों में तो आज भी वो रेडियो सेट मौजूद है जो हेडसेट होता है। बिल्कुल ऐसे। और उसके साथ साथ जो मिडिल जो अपर क्लास है, ये नहीं कि वो नहीं सुनते, वो भी सुनते हैं, लेकिन उनका ये होता है कि उनका इंट्रैक्शन नहीं होता, इंट्रैक्शन कम होता है। हाँ, वो क्योंकि आरजे को मैसेज ना करना या साइलेंट लिसनर आप कह रहे हैं वो होते हैं अपर क्लास। तो एफएम सुनता हर कोई है। बिल्कुल। और एफएम को जिसका नशा हो जाए ना, जो सुनने लगे, वो उसके बाद फिर वो छोड़ता नहीं है। मतलब मेरे आज भी ऐसे ऐसे लिसनर्स हैं कि जो 10-10 साल से 12-12 साल से मुझे सुन रहे हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। तो एफएम का एक अपनी बात है। और एक आर्टिस्ट को जो सेटिस्फेक्शन मैं ये समझता हूँ, वो ना तो एक्टिंग से होगी कभी भी। बिल्कुल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज माई पर्सनल व्यू, ना उसको एक्टिंग से होगी ना उसको किसी और काम से होगी। जो सेटिस्फेक्शन उसको माइक के पास बैठकर बात करने से लोगों के साथ, इसलिए हमने आपके आगे माइक लगा दिया। हमने बोला नदीम भाई आ रहे हैं, माइक होना चाहिए लाजमी। आइसक्रीम भी लगा देते तो मैं खा जाता, यकीन मानो। क्या बात। तो ये सारा सिलसिला गार है भैया, तो बड़ी सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं। तो नदीम भाई मुझे ये बताया, रेडियो पे जब आपने ज्वाइन किया एफएम, तो फील्ड से या लोगों से कैसा रिस्पांस मिला आपको उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया था? यार रिस्पांस ऑलमोस्ट सेम है, बहुत अच्छा इनकरेजमेंट, क्योंकि आप टीवी से उठकर जो है वो आप रेडियो की तरफ आए। ऑलमोस्ट साथ साथ ही हुआ है। अच्छा। जब मैंने टीवी ज्वाइन किया था तो टीवी ज्वाइन करने के ऑलमोस्ट तकरीबन साल बाद या 2 साल के बाद मैंने एफएम ज्वाइन। अच्छा, उसी दौरान कर लिया। उसी दौरान। जबरदस्त। तो और मैं उस वक्त जो है मैंने जितना भी काम किया ना, बहुत लिमिटेड काम किया। आप अपने करेक्टर को रिवील करते थे एफएम पे? क्योंकि उस वक्त तो आवाज, सोशल मीडिया का दौर कम था। मैं आपके साथ एक बात बताऊं कि बहुत सीरियस गुफ्तगू कर रहा हूं मैं, इतनी देर सीरियस होता नहीं। चले। बात यह है कि ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। बिल्कुल। मैं क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस मुझे शौक है, मैं पंजाबी भी बोल लेना, पख्तो बोई और बलोची जो है वो समझ सारी लेता हूँ। अच्छा। बट उसका हाल चूने वगैरह सारा सब है। उसके अलावा पर्शियन और उसके अलावा उर्दू तो है ही है हमारी जुबान, ठीक है ना। इंग्लिश भी थोड़ी बहुत बोल लेने हैं। तो ये वजह है भी कि भाई वो जो होते हैं ना अंग्रेज होते ना बर्गरों में, बिल्कुल तो कम से कम इंग्लिश मैसेज आ रहे होते तो इंग्लिश मैसेज भी। तो उसके साथ साथ ये होता था कि टीवी पे कोई करेक्टर आ रहा है, लोग मिमिक्री कर रहे हैं, तो उसको देख कर भी जो है शौक होता था। बिल्कुल। उसके साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आए हाय हाय, आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब मतलब एक मैं आपको एक बोलता हूँ, और आपको मतलब शेख रशीद हो गए और भी बहुत सारे हैं, तो ये हिडन यू कैन से के टैलेंट है। मैंने कभी टीवी में आकर इस तरह का नहीं किया, लेकिन एफएम में अपनी तमाम जो आदमी के अंदर जो ठरके होती है ना, बिल्कुल वो आदमी बाहर निकाल सकता है। बिल्कुल वो निकालते हैं। और अक्सर वेस्टर्न मैंने जब जो है वो नदीम भाई का शो सुना तो मैंने जाती तौर पे बहुत एंजॉय किया है। भाई आपको एक बात बताऊं, मैं एफएम में जो शो करता हूं अभी भी, मैं बोलता हूं कि भाई हमारी एक फैमिली है। मैं अपने शो की, मेरे जो लिसनर्स हैं बिल्कुल उनकी एक मैंने फैमिली बनाई हुई है। आप यकीन माने कि लोग जो है वो अपने दिल की बातें भी कर रहे होते हैं, लड़कियां भी, मर्द हजरात भी अपनी तकलीफें शेयर कर रहे होते हैं, अपनी खुशियां शेयर कर रहे होते हैं। मैं अपने सिर्फ अपने शो की और अपने लिसनर्स की बात कर रहा हूं, मैं दूसरे शोज की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब ये कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया था कि एक मोहतरमा आई थी तो उनको कुछ बीमारी वगैरह थी, तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड तरीके से, हेलो क्या हाल है, मुझे आपको शो बड़ा पसंद। मैं कह जी की हो गया थानू, तुसी इस तरह क्यों बोल रहे हो? नहीं बस नदीम भाई तबीयत थोड़ी सी। मैंने बोला आप थोड़ा एनर्जी लेकर आए अपने अंदर। अच्छा। क्या बस तबीयत। फिर उन्होंने अपनी जब स्टोरी बताई ना तो मैं खामोश हो गया। ओके। फिर उनको मैंने इनकरेज किया
कि जिंदगी जितनी भी अल्लाह ताला ने जितनी भी दी हुई है उसको मतलब आप बेहतर तरीके से मोटिवेट किया उनको। मोटिवेट करने के बाद मैंने तमाम लिसनर से बोला, भाई मेरी एक कैफे मंडट की फैमिली है, आप मेरे लिसनर हैं, आप सब ने मिलकर दुआ करनी है, ठीक है ना। और आप यकीन माने अल्लाह ताला ने उनको शफा अता फरमाई उनका। फिर शो में तो वो एक इस तरह जो बात कर रही थी, हाँ नदीम कैसे हो, ठीक ठाक हो, अच्छा क्या बात है, उस वक्त दिल को कितनी खुशी मिली होगी। तो एक वो बनाया हुआ है सिलसिलेकार। अच्छा उसमें ये है कि ऐसा आपको फील नहीं होगा मेरे शो कि मैं आरजे हूं और लिसनर्स हैं, ऐसे लगेगा कि एक फैमिली बैठी है, फैमिली और बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं फुल टाइम, इस तरह का सिलसिला चल रहा होता है। क्या बात। तो वो सिलसिला मैं अभी भी लेकर साथ में चल रहा हूँ, उसमें दुआएं भी होती हैं। इवन ये कि ऐसे आशिक भी आ जाते हैं कि भाई मेरी महबूबा भाग गई नदी में, यार उसने धोखा दे दिया। मैंने बोला तुम्हारी अपनी हरकतें ऐसी होंगी जो तुमने ऐसा किया, सही बात है, अपनी हरकतों पर गौर करो, बेशक तुमने ऐसा किया क्या कि वो भाग गई। कह रहे मुझे समझ में आया, तोहफे वोहफे दिए उसको वहां, कभी कभी दे देता था, मैं ज्यादा दिया करो बेटा, कभी कभी देने की वजह से भागी। तो इस तरह के बड़े हंसी मजाक, इस तरह की बड़ी चीजें जो हैं वो सिलसिलेकार चलते रहते हैं। चले नदीम भाई एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जी बिल्कुल, इसके बगैर जो है वो काम नहीं है हमारा। आपसे मौसम मंगवाए, मंगवा लेते, मसला थोड़ी है, अभी तो खा के बैठे थोड़ी देर पहले। चलो ठीक, ब्रेक लो, चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे, हमारे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम और एक बार फिर खुश आमदीद आपको द सेलेब नाइट में। आज नदीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम भाई मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा रेडियो आप कर रहे हैं काफी अरसे से, तो रेडियो में कभी कोई ऑफरें दी बच्चों, मतलब लड़कियों ने या ख्वातीनों ने या? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं है। आप नदीम अख्तर साहब कह सकते हैं, नदीम भाई ये भाई से बहुत कुछ आ रहा था भैया। ऑफर की जो आपने बात की है, भाई रेडियो में तो आपकी सोच है, लेकिन हमें बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होना पड़ता है। ख्वातीन जो हैं, ख्वातीन से मुराद ये कि लड़कियाँ, ठीक है ना, लड़कियाँ जाहिर है आवाज़ से बहुत सारी लड़कियाँ जो है ना वो मुतासिर होती हैं, बिल्कुल अट्रैक्ट होती है। बिल्कुल वैसे ये सवाल अगर आप अपने अब्बा जी से करें वो तो हमने खुद अपनी जिंदगी में देखा है। अब्बू जब आप प्रोग्राम करते थे तो कितनी अम्मियां थी हमारी ये भी पूछ सकते हैं, खैर वो पूछ नहीं सकते, ये शोभी भाई द ग्रेट शोभी भाई ऐसे हैं भी नहीं, यकीन मानो वो किसी को नहीं बताते। सही बात है यार, माइक हो गया, चलो सही बोल रहे। तो एनीवे नो डाउट लड़कियां जो होती हैं ना वो पुल्ले सिरात बनाती हैं। थोड़ी सी सीरियस बात कर लेता हूँ, पुल्ले सिरात बनाने से मुराद ये कि आवाज़ से बहुत ज़्यादा वो इमेजिन करने लगती हैं, अल्लाह ये कितना प्यारा होगा जब सामने आता है ये है। और अब ये तो वैसे सोशल मीडिया का दौर है। नहीं नहीं अब तो खैर उनको पता चल जाता है ये है, अच्छा नदीम मैंने आपको फेसबुक पे देखा था, अल्लाह कसम से बहुत ये चीजें होती हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे नहीं देखते वो जहनी तौर पे आपका खाका तैयार कर लेते हैं यार। असल में यार इनकी आवाज ऐसी, मैं अपनी बात बताऊं, वैसे मैंने क्योंकि एक फैमिली बनाया हुआ है अपने शो को, फैमिली शो बनाया हुआ है, तो जो भी लड़की आती है ना तो वो मुझे लगती है नदीम भाई। तो मैंने तो अब ये कहना शुरू कर दिया, सब बहनों का आएगी भाई नदीम भाई, नदीम भाई। अच्छा जो लड़की मुझे नदीम भाई करके नहीं लिखती, नदीम सर या नदीम साहब, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ और ऑन एयर बोलता हूँ, शुक्र है किसी ने तो मुझे नदीम कहा। तो चलो मतलब एक दिल में आस आ जाती है कि शायद ये भाई से बढ़कर, मतलब वो भाई से हटकर कुछ बोल रही है। तो खैर इस तरह के सिलसिले होते रहते हैं, तो ये है तमाम सूरत हाल। गिफ्टिंग वगैरह हुई कभी कोई सडनली जो है वो किसी फैन ने गिफ्ट भेज दी हो? ऐसा होता है, ऐसा होता है, बर्थडे आ गई है तो कोई केक, घर पे भाभी की तरफ से कभी कोई ऐसी परेशानी की यार ये किसने भेज लिया? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सारा जो भी गिफ्ट आता है वो जाकर आपकी भाभी को दे देता। अच्छा, और वो बहुत खुशी से खाती है। वाह क्या बात है। तो नहीं गिफ्ट्स वगैरह आते हैं बहुत सारे, कुछ फैंस ऐसे होते हैं कि सपोज बर्थडे आ गई मेरी तो उसमें उन्होंने कोई गिफ्ट भेज दिया, बट वो भी ऐसे ही होता है रिसेप्शन पर आ जाता है। अच्छा। तो मिल जाता है, ये उनकी मोहब्बत है, अपनी मोहब्बत का इजहार है, और तोहफा देना लेना ये भी तो एक, ये भी एक मोहब्बत का जरिया, मोहब्बत का जरिया है। चले नदीम भाई लेते हैं एक और छोटी सी ब्रेक, आइए हमारे पास आइए। हाँ, मुझे भी देना जरा थोड़ी सी, 5 मिनट के लिए आइए, ये बोले ना ब्रेक बिल्कुल, तो उसके बाद आते हैं वापस, बल्कि मेरे ख्याल में एक ब्रेक आप लें अपने रेडियो वाले अंदाज में। अच्छा जी ये मेरे साथ मौजूद हैं नौमान साहब और आप सुन रहे हैं नदीम अख्तर को, तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर आते हैं और शो को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और वॉइस ऑफ नेशन में जो है मुझे नुमान साहब ने बुलाया हुआ है और प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए बोल रहे हैं और कह रहे हैं नदीम भाई आप नहीं कह रहे हैं कि प्रोग्राम में वेलकम बैक भी कह रहे हैं, तो वेलकम बैक कह दिया जनाब, तो नुमान साहब आप क्या कहेंगे? सर बस आपके साथ बैठे बैठे टाइम का पता ही नहीं चला और अभी अचानक जो है वो मुझे ऐसा लगा कि बस वक्त बीतता चला गया और प्रोग्राम का ड्यूरेशन जो है वो खत्म हो गया, इख्तिताम पे पहुंचा। तो आपके साथ माशाल्लाह बहुत जबरदस्त एक गुफ्तगू रही, बहुत जबरदस्त एक पैटर्न रहा। तो नदीम भाई मुझे जाते जाते से आपसे एक छोटा सा सवाल है, एक ऐसा पैगाम हमारे यंगस्टर्स को, हमारी जनरेशन का जो डबिंग इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं या जो रेडियो इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल लोगों का शौक बढ़ रहा है इस तरफ, क्योंकि अभी हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल वास्ट हो गई है, पहले ये छोटी सी इंडस्ट्री थी, तो उनके लिए एक छोटा सा पैगाम कोई। पैगाम क्या, एक मतलब वैसे भी शोज में भी मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं जी कि मैंने आरजे बनना है या मैंने एक्टिंग करनी है, ये फील्ड इसको बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए देखिए आजकल के दौर में मैं आपको ये एक बात बताऊँ, तालीम बहुत ज़रूरी है बेशक, और रेडियो आरजे बनना जो है वो इतना आसान नहीं है। आप लोग समझते हैं कि जी मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ तो मैं रेडियो कर लूँगा, एक यकीन माने कि अगर आप किसी का ऑडिशन लेना तो दो मिनट नहीं बोल सकता ज़्यादा, आपने ऐसे ही बोलना है, कैसे बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, तो उनको मैं एक सवाल करता हूँ जिनको आरजे बनने का शौक है, मैं उनको ये कहता हूँ कि दो घंटे आपने बोलना है, ठीक है ना, और आपने ऐसा बोलना है कि लोग आपको सुने, अब लोग आपको क्यों सुने ये पहले आप बताएं, ये पहले आपने ढूंढना है, ये ढूंढना है कि लोग आपको क्यों सुने। भाई मैं आपको क्यों सुनूं, नौमान को क्यों सुनूं, या अजमल शूबी को क्यों सुनूं, या अयाज अहमद को क्यों सुनूं, या नदीम अख्तर को क्यों सुनूं? बिल्कुल भाई, सुनने की वजह ये, यार नदीम बातें अच्छी करता है या कोई जनरल नॉलेज की बात करता है, तो जनरल नॉलेज का भी आपको पता होना चाहिए, तालीम के साथ साथ आपकी जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। जितनी भी कैटेगरीज हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दीन के हवाले से और दुनिया के हवाले से, आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि आप जब शो कर रहे हैं तो किसी वक्त कोई भी किसी किस्म का भी सवाल कर सकता है, सही। तो आपको कम से कम थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका अपना होमवर्क अच्छा होना, अच्छा चाहिए। होना चाहिए एक आरजे के लिए, मैं ये बता रहा हूं, आपका अपना होमवर्क अच्छा होना चाहिए, आपकी जनरल नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए, तालीम मिनिमम कम से कम आप ग्रेजुएट हों, ताकि आप गुफ्तगू जब कर रहे हों तो आपकी तालीम झलकती है, आपकी गुफ्तगू से झलकती है, आपने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मास्टर जिन्होंने किया होता है तो वो उनकी भी गुफ्तगू से, उनके जो अल्फाजों का, लफ्ज़ों का जो चुनाव है वो बता देता है कि यार ये बंदा क्या बात कर गया, दो लाइनों में सारी बात कर गया। बिल्कुल, तो ये है। और डबिंग इंडस्ट्री भी बड़ी ज़बरदस्त है, तो उसमें ये कि आजकल के नौजवान जो हैं, यंगस्टर जो हैं, वो वैसे ही बड़े टैलेंटेड हैं, नो डाउट, लेकिन उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिस जगह भी आप जाना है बिल्कुल जाइए, ट्राई कीजिए, अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ कीजिए, मगर इन दो चीज़ों को अपने साथ ज़रूर रखिए। आरजे के लिए जनरल नॉलेज साथ में बहुत ज़रूरी है, और बाकी किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो आपकी तालीम बहुत ज़रूरी है, अपनी तालीम पहले मुकम्मल कीजिए, मुकम्मल तो तालीम कभी भी नहीं होती बेशक, बिल्कुल वो तो आप, लेकिन कम से कम आपको ग्रेजुएशन ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको पता हो कि मैंने कहाँ क्या बोलना है। सही बात। तो ये मेरा बस सिंपल सा एक मशवरा है उन लोगों को, उन यंगस्टर्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि अब मजीद जो है वो दिन ब दिन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है लोगों का इस फील्ड में, खासतौर पे जब से हमारे टर्किश ड्रामे आए। नहीं, ये तो मैंने आपको वो बातें बताई जो हमारी मीडिया से रिलेटेड, जो मीडिया में है, जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और उसके अलावा रेडियो वगैरह और डबिंग, क्योंकि डबिंग जो करते हैं वो भी टेलीविजन पर ही आता है, लेकिन आजकल अपनी ठरक हर कोई जो है ना वो पूरी कर रहा होता है सोशल मीडिया पे, हर एक के पास एक कैमरा है भाई, और वो कैमरा लेकर जो है वो अपनी वीडियो बना रहा होता है और आगे चल रहा होता है, ठीक है ना, तो उससे भी काफ़ी वो होता है, लेकिन अगर आप तरीके के साथ आगे जाएंगे तो आपको फेम भी मिलेगा और नोट भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चले नदीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, टाइम निकालने के लिए और इतनी ज़बरदस्त मीठी बातें करने के लिए, खास तौर पे मतलब यार अभी तो आज सारी सीरियस बातें करवाई हैं तुमने सर, फिर कभी टाइम निकाल लेंगे नदीम भाई, जो इतनी सीरियस बातें कर, नहीं नहीं फिर कभी टाइम निकाल लेंगे, आपके साथ एक शुगल मेला लगाएंगे इंशाल्लाह जिंदगी भर। बहुत बहुत शुक्रिया यार आपका, शुक्रिया आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के, आपसे सीखने को मिला बहुत सारी चीज़ें। तो इसी के साथ नाज़रीन अपने इख्तिताम को पहुँचेंगे और कल फिर मिलते हैं आपसे, कल हमारे साथ कौन होगा ये आपको पता चल जाएगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त,
इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे, अल्लाह हाफिज। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।